सातवीं क्लास का चैप्टर 7 जुगनू। ठीक है, देखते हैं इस नज्म में शायर क्या कहना चाहता है। आइए पढ़ते हैं। बरसात की रात थी अंधेरी, कुछ नींद उछट गई थी मेरी। यानी कि बरसात की रात थी, और बरसात की रात कैसी होती है? अंधेरी होती। क्यों अंधेरी होती है? क्योंकि उसमें बादल होते हैं, तो अंधेरा रहता है, चांद छुपा रहता है। ठीक है, कुछ नींद उछट गई थी मेरी। नींद उछटने का मतलब होता है नींद ना आना। ठीक है, पानी जो बरस के खुल गया था, गुलशन का गुबार धुल गया था। पानी बरस चुका था तो आसमान खुल गया था बारिश होने के बाद। गुलशन किसे कहा जाता है? बाग। बाग का गुबार यानी कि बाग की जो धूल मिट्टी होती है, बारिश के बाद वो सब चीजें साफ हो चुकी होती हैं। ठीक है, बेदार थी बाग में अकेली, फूलों से लदी हुई चमेली। बेदार होना जगना, ठीक है, यानी कि वो जगी हुई थी। अब असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन क्या है, चमेली के जो फूल है वो रात में बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो उस बात को ये कह रहे हैं कि चमेली जो है वो अकेली बाग में जग रही थी, बाकी सारे फूल जो है वो अभी तक सोए हुए थे। इतने में जो रौ चली हवा की, रौ चली यानी कि एक रफ्तार आई हवा की। किस्मत ही चमक गई फजा की, यानी कि जो फिजा थी, जो वहाँ का माहौल था, फजा माने माहौल, जो वहाँ का माहौल था उसकी किस्मत चमक गई थी, यानी बहुत अच्छा सा माहौल हो गया था। होने लगी जुगनुओं की बारिश, फितरत के जमाल की तरावश। यानी अब वहाँ पे जब हवा चली, जब सब कुछ साफ हो गया, तो रात में क्या निकलते हैं? जुगनू निकलते हैं। तो अब कौन निकले? जुगनू निकले। जुगनू की बारिश इसलिए कहा गया कि एक साथ बहुत सारे जुगनू आ गए। फितरत के जमाल की तरावश, यानी कि फितरत यानी कुदरत, अल्लाह मियाँ के जमाल की तरावश होने लगी, यानी अल्लाह मियाँ का जो जमाल था, यानी अल्लाह मियाँ का जो नूर है वो दिखने लगा। रोशन था इस कदर अंधेरा, गोया होने को था सवेरा। यानी आसमान थोड़ा थोड़ा अब साफ होने लगा था, ऐसा लग रहा था जैसे सुबह होने वाली है। जुगनू इस तरह उड़ रहे थे, हीरों में पर लगे हुए थे। यानी जुगनू इस तरह से उड़ रहे थे हवा में, ऐसा लग रहा था जैसे हीरे हों, हीरे समझते ना, डायमंड। ठीक है, जैसे हीरे पे पर लगा दिए हों किसी ने, इस तरह से वो चमक रहे थे। पीपल तो चिनार बन रहा था, हर शख्स से नूर छन रहा था। पीपल का पेड़ होता है, चिनार एक और पेड़ होता है। चिनार का जो पेड़ होता है वो पहाड़ों में पाया जाता है, जो कि रेड पत्ते होते हैं उसके। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि पीपल जो वैसा लगा था जैसे चिनार का पेड़ बन गया है। हर शाख से नूर छन रहा था, यानी हर शाख से नूर टपक रहा था, इतने खूबसूरत हो गए थे। जुल्मत मोती लुटा रही थी, परियों की बारात जा रही थी। जुल्मत माने क्या होता है? अंधेरा। तो अंधेरे पे ऐसा कैसा लग रहा था जैसे मोती उड़ रहे हैं हर तरफ, है ना। परियों की बारात जा रही है, क्योंकि ये कहा जाता है परियां जो है वो खूब नूर से भरी हुई होती हैं, इस वजह से इन्होंने ये बात कही है। तो अब इस नज्म को लिखा किसने? सिकंदर अली वजद ने। ठीक है, अब यहाँ हमारी नज्म पूरी होती है, अब हम चलते हैं लफ्ज मायनों की तरफ। ठीक है, नींद उजड़ जाना यानी कि नींद का गायब हो जाना या नींद ना आना। पानी खुल गया। ठीक है, पानी खुल गया का मतलब क्या होता है कि बारिश के बाद जब आसमान खुल जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं? गुलशन, गुलशन माने बाग या चमन। उसके बाद क्या? गुबार, गुबार माने गर्द। बेदार, जागी हुई या जागा हुआ। रौ, रौ माने रफ्तार या रवानी। जमाल, जमाल माने खूबसूरती या हुस्न। ठीक है, तरावश, तरावश माने टपकना। चिनार, यहाँ पे वही बात लिखी है कि एक पहाड़ी इलाके का पेड़ है जिसके पत्ते जो है वो खिजा के मौसम में ठंड वो सर लाल हो जाते हैं, सुर्ख हो जाते हैं। खिजा माने बाहर, वो पतझड़ का मौसम। ठीक है, अब आ जाते हैं जुल्मत। जुल्मत माने अंधेरा। नीचे लिखे हुए अल्फाजों को बुलंद आवाज से पढ़ें, तो आपको इन्हें तेज आवाज में पढ़ना है। कैसे? नींद, रौ, तरावश, चिनार, जुल्मत। सवाल नंबर एक, जुगनू किस मौसम में दिखाई देते हैं? जवाब, जुगनू बरसात के मौसम में दिखाई देते हैं। सवाल नंबर दो, लगातार हवा चलने की वजह से जुगनू की क्या हालत हो गई थी? जवाब, लगातार हवा चलने से हर तरफ जुगनू उड़ते हुए नजर आने लगे थे। सवाल, बाग में कौन जाग रहा था? जवाब, बाग में चमेली जाग रही थी। सवाल, शायर ने जुगनू को हीरा क्यों कहा है? जवाब, शायर ने जुगनू को हीरा इसलिए कहा है क्योंकि उड़ते हुए जुगनू हीरे की तरह चमक रहे थे। सवाल, परियों की बारात जा रही है से क्या मतलब है? जवाब, उड़ते हुए जुगनू परियों के जरबक लिबास की तरह मालूम हो रहे थे। जरबक मतलब क्या होता है? जरबक माने चमकदार टीकी मोती वाले जो सूट होते हैं, जो बहुत ज्यादा शाइन करते हैं, उनकी तरह मालूम हो रहे थे, इसलिए शायद ने जुगनू को परियों की बारात कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सवाल जवाब खत्म होते हैं। अब हम नीचे आते हैं, मिसरों को मुकम्मल करें। अब फूलों से लदी हुई है चमेली। ठीक है, यहाँ पे लदी आ गया। किस्मत ही चमक गई। ठीक है, होने लगी जुगनू की बारिश, हीरों में पर लगे हों,
जुल्मत मोती लुटा रही है, पंजों की बारात जा रही है। नीचे लिखे हुए अल्फाजों को जुमलों में इस्तेमाल करें। अब क्या है आपका, गुलशन, चमेली, जुगनू, सवेरा, नूर, इनको आप इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं रदीफ काफिये की तरफ। देखिए काफिया कहते किसे हैं? जब नज्म लिखी जाती है तो उसमें लास्ट में कुछ वर्ड्स होते हैं जो एक जैसे आते हैं, उसे हम रदीफ कहते हैं। और उनसे पहले आने वाले वर्ड जो आवाज में एक जैसे लगते हैं, ठीक है, जैसे अकेली, चमेली, है ना, लास्ट में दोनों में लाम और ये आ रहा है तो आवाज कुछ एक जैसी आ रही है ना दोनों की, अकेली, चमेली। तो इस तरह से वर्ड्स आपको निकालने, अंधेरा, सवेरा, तरावीश, बारिश, है ना, अंधेरी, मेरी, इस तरह से आपको इसे कहा जाता है काफिया। ठीक है, तो आपको ये निकालना है। अब आज के लेसन में हमारे लिए बस इतना ही। अब आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।